ओके यस बेटा, टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। बिफोर वी स्टार्ट दिस टॉपिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इज अ नॉलेज ऑफ एनी सब्जेक्ट व्हाटसोएवर वी आर गेनिंग regarding any subject, that is training part. But in the field of sports, we have to give our top level performance. For that we need some specific training method. So sports training is a systematic, well planned, long duration activity by which we are gaining the best performance of an athlete to get the highest level, to get the top level of that particular athlete or sports person. As a physical education student, you should know first of all some of the basics of your subject. What is training, sports training? Then what is the use of warming up in sports and games? Then cooling down and limbering down. After doing any strenuous exercises, you have to perform some stretching, some light cooling exercises after completion of your activities. So these are the some basic points. ठीक है, ये आपको subjects, ये नहीं कि आपको subjects के regarding आपको कोई तैयारी हो रही है, but as in general, as you are a student of physical education, you should know that these all basics. Training के जो different phases हैं वो आपको पता होना चाहिए. Training, जब हम कोई भी training करते हैं तो first of all वो जो athlete हैं, जो आपके पास बच्चा, जो beginners आते हैं सीखने के लिए sports, उसको हमने physically fit करना है. ठीक है, कोई भी training आप तभी कर सकते हो जब आपका जो trainees हैं वो physically fit होगा. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, इफ दैट पर्सन इज नॉट फिजिकली फिट, ही और शी कांट डू दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी. स्पोर्ट्स की जितनी भी आपकी ट्रेनिंग चलती है वो आपका 5 कंपोनेंट्स पे चलती है, दैट इज स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. ये आपको एज यू नो दीज आर द मेन 5 कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेशन. आपकी जो सारी ट्रेनिंग है वो इसी के बेस चलती हैं, जितनी भी आपकी मेजर आउटडोर स्पोर्ट्स हैं, जितनी भी आपकी गेम्स हैं. तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, हमने डिफरेंट फेसेस बने होते हैं, डिफरेंट आपके फेस होते हैं, फेस 1, फेस 2, फेस 3. तो ट्रेनिंग में आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, जब भी हम कोई स्पोर्ट्स ट्रेनिंग करते हैं दैट इज रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्टिविटीज, तो उसमें जो आपके 3 फेसेस होते हैं, प्रीपरेटरी फेस होता है जो आपका स्टार्टिंग फेस होता है, देन यू हैव कॉम्पिटिशन पीरियड, देन ट्रांजिशनल पीरियड, और यू कैन से दैट रिक्रिएशनल एक्टिविटी और कूलिंग डाउन. आपकी जो जितनी भी वर्ल्ड में ट्रेनिंग चलती है स्पोर्ट्स की वो बेस होती है ये 3 फेसेस के ऊपर. वेदर यू आर गोइंग फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल. ठीक है, जो क्राइटेरिया आपका फिजिकली फिटनेस का होगा वो आपका प्रीपरेटरी फेस, कॉम्पिटिशन फेस एंड ट्रांजिशनल फेस, ये 3 फेसेस होते हैं ट्रेनिंग के. फर्दर वी डिवाइडेड दिस ट्रेनिंग इन डिफरेंट फेसेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद द प्रीपरेटरी फेसेस. प्रीपरेटरी फेसेस होता है जो स्टार्टिंग आपका फेस होता है, जो आपका इनिशियल स्टेज होती है, जहां पे आप बेसिक्स फिटनेस अपनी देखते हो. ठीक है, आपने सपोज कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, फिजिकली फिट करेंगे. तो ये जो फेस होता है प्रीपरेटरी फेस, जो स्टार्टिंग फेस होता है जिसमें आप अपनी एक्टिविटीज स्पोर्ट्स की सीखते हो, तो उस ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं, सिंपल वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन फिजिकल फिटनेस, नथिंग एल्स. आपको सिर्फ फिजिकल फिटनेस की एक्सरसाइज करा दी जाती है सो दैट
जो ट्रेनीज हैं, जो बिगनर्स हैं, वो फिजिकली फिट हो, और जो आगे उसको हम जैसे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स हमारा ट्रेनिंग मेथड चलता है, पहले आपको सिंपल एक्टिविटीज कराएंगे, सिंपल एक्सरसाइज कराएंगे, आफ्टर दैट यू आर गोइंग फॉर अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज, जो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में जाओगे आप, इजी टू डिफिकल्ट सिचुएशन पे जाना है। अगर आप लोग फिजिकली फिट नहीं होंगे तो यू कांट गो फॉर दैट पर्टिकुलर डिफिकल्ट एक्सरसाइजेस। सपोज अगर आपका हम प्रैक्टिकल लेते हैं, इफ यू आर गोइंग फॉर एनी ट्रैक इवेंट्स, ट्रैक में आप जाते हो तो व्हाट हैपेंड, वहां पे आपको 1 round, 2 round, इफ यू आर यूज्ड टू 4 round, 5 round एज पर योर शेड्यूल, ठीक है, 4 rounds हम गर्ल्स को लगाते हैं, 6 round बॉयज को बोलते हैं। सेम आपका फिजिकली फिटनेस में क्या होता है, आपका जो शॉर्ट पुट का डिस्टेंस है, आपका जो वेट है, दैट इज 4 kg फॉर वुमेन होता है एंड 7.26 kg फॉर मेंस होता है, ठीक है। वो सारी डिफरेंट कैटेगरीज आपकी फिटनेस के अकॉर्डिंग बनती है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए बेटा, जितने भी वर्ल्ड में कंपटीशन होते हैं उनके डिफरेंट एज ग्रुप बने होते हैं, दैट एज ग्रुप अकॉर्डिंग टू योर यूथ, जूनियर, ठीक है, आप सब जूनियर खेल रहे हो, कैडेट खेल रहे हो, उसके एज ग्रुप क्राइटेरिया होता है। ये नहीं होता है कि आप छोटे बच्चे को भी सीनियर में खिला दो, ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपका ट्रेनिंग मेथड भी बनता है, ट्रेनिंग शेड्यूल बनता है कि आपका लेवल क्या है जब आप ट्रेनिंग करने जाते हो, वेदर यू आर अप, आपका जो बैकग्राउंड है वो प्रोफेशनल है कि आप बिगनर्स हो, आप कुछ खेल के आए हो, ये सारी चीजें ट्रेनिंग में हमको ध्यान रखनी होती है। और ट्रेनिंग टोटली डिपेंड करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, ठीक है, हर बच्चे के लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसकी जो कैपेसिटी है, अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर ट्रेनिंग मेथड्स, ठीक है, दैट सूटेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एथलीट और स्टूडेंट और बिगनर्स। जैसे आपको पता होगा क्लास में कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, जिनकी लर्निंग स्किल बहुत फास्ट होती है, ठीक है, कुछ स्लो लर्नर होते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो सारा टाइम इनडिसिप्लिन क्रिएट करेंगे, ठीक है, द डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर, तो देन वी हैव टू कॉप अप दैट पर्टिकुलर सिचुएशन को, और उन स्टूडेंट को हम करते हैं, देखते हैं। वैसे ही आपका स्पोर्ट्स में होता है, सम स्टूडेंट दे आर गिफ्टेड, आपने देखा होगा कहीं स्पोर्ट्स में बहुत ही गिफ्टेड प्लेयर होते हैं, जो नेचुरली बहुत अच्छे टैलेंटेड होते हैं, जिनको हम गिफ्टेड बोलते हैं, जिनको टैलेंट गिफ्टेड मिला होता है। सम हार्ड वर्कर होते हैं जो बहुत मेहनत करके आते हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंस क्या होता है, कोई भी अगर आप काम करते हो, ऑलवेज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। अगर आप में जितना मर्जी टैलेंट है, अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो व्हाट हैपन, आफ्टर फ्यू इयर्स, फ्यू डेज, आपकी जो परफॉर्मेंस है डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। बट दोज हु आर लेस गिफ्टेड, लेस टैलेंटेड, बट इफ दे आर डूइंग रेगुलर प्रैक्टिस, अगर वो हार्डवर्क ज्यादा करते हैं तो आफ्टर फ्यू मंथ्स एंड ईयर्स उसकी परफॉर्मेंस जो गिफ्टेड प्लेयर है उससे भी ज्यादा अच्छी आ जाती है। ये हमने बहुत देखा है कि सम ऑफ द प्लेयर्स दे आर वेरी गुड इन, जो आपका डोमेस्टिक सीजन चलता है, डोमेस्टिक इवेंट होते हैं, जो विद इन योर कंट्रीज में जो भी टूर्नामेंट होते हैं, दे आर वेरी गुड, दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड, बट वेन दे आर रिप्रेजेंटिंग देयर कंट्री, वेन यू आर गोइंग फॉर अ इंटरनेशनल लेवल, तो वहां पे उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती, ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान में रख के हमने क्या करना होता है, सबसे पहले प्रीपरेटरी फेज है, नथिंग एल्स, वी हैव टू गिव मोर स्ट्रेस ऑन फिजिकल फिटनेस। जब आप फिजिकली फिट होते हो देन यू आर रेडी टू डू एनी टास्क, किसी भी लेवल का अगर आपको कोई काम दिया जाता है, आपकी बॉडी, आपका माइंड, वो उस काम को करने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है, व्हाइल यू आर डूइंग दिस एक्सरसाइजेस। अब आपने प्रीपरेटरी जो फेस है, फर्स्ट फेस में सिर्फ आपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दिया है, इसके बाद इसमें फेस टू आ जाता है। फेस टू में व्हाट वी आर डूइंग स्किल्स, टेक्निक्स, ठीक है, जो आपकी गेम है उसकी जो टेक्निक्स है, सपोज इफ यू आर प्लेइंग बैडमिंटन, आपने बैडमिंटन का ग्रिप क्या है, उसको होल्ड कैसे करना है, व्हाट इज योर स्टांस, ठीक है, जितनी भी उस गेम के फंडामेंटल स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, स्ट्रेटजीज होती हैं, उसको हम
लर्न करते हैं। आपको पहले फिटनेस कराई है, आपकी बॉडी रेडी हो गई है उस काम को करने के लिए, फिर हम उस गेम की डिफरेंट स्किल्स को, टेक्निक्स को, ठीक है, जो फंडामेंटल स्किल्स आपकी होती हैं उसको हम सिखाते हैं, और वो ही ट्रेनीज उसको क्या करता है, लर्न करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसमें परफेक्शन आती है डे बाय डे, उसकी उसकी जो परफेक्शन उसमें होती रहती है स्किल्स की, व्हेन ही और शी इज परफेक्ट। आफ्टर दैट फेज थ्री में व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रैक्टिस सम मैचेस, जिसको हम बोलते हैं वार्मिंग अप मैचेस, ठीक है। वार्मिंग अप मैचेस मींस कि प्रीपरेटरी फेज थर्ड में आपने उसको पहले 3 मंथ्स उसको फिटनेस करवा दी है, उसके बाद उसको डिफरेंट स्किल्स, फंडामेंटल स्किल्स, टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज, आपने अगर गेम खेलनी है तो आपको वहां माइंड गेम कैसे खेलनी है, आपको अपनी स्ट्रेटजीज कैसे बनानी है, वो चीजें हम सिखा देते हैं बच्चे को। जो आपका फेज थ्री इसमें आता है लास्ट फेज, उसमें वहां पे वार्मिंग अप मैचेस होते हैं, वहां पे हम आपको जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन आपका फेस आएगा उसके रिगार्डिंग मैचेस के आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, आपके डिफरेंट टीम से मैचेस कराएंगे। सपोज यू आर इन द स्कूल टीम, आप अगर अपनी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बिफोर गोइंग फॉर अ फाइनल मैच, अगर आपके जो फाइनल मैच होते हैं जैसे आपका सहोदया टूर्नामेंट हो गया, ठीक है, क्लस्टर टूर्नामेंट हो गया, इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन हो गया, उससे पहले आपके विद इन डिफरेंट टीम के साथ वार्मिंग अप मैच कराते हैं, सो दैट यू कैन नो द बेटर आप सिचुएशन, उस सेम सिचुएशन में आप मैचेस खेलोगे, आप अपनी परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके जो कोचेज है वो अपने प्लेयर्स को एनालाइज कर सकते हैं कि इन डिफरेंट सिचुएशन विच प्लेयर इज गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट, उसी के हिसाब से आपकी फिर टेक्निक बनती है। तो दिस फेज, जो प्रीपरेटरी फेज में आपका थर्ड फेज होता है, दैट इज टोटली बेस्ड अपॉन योर वार्मिंग अप मैचेस टू फाइंड आउट द डिफरेंट सॉल्यूशंस इफ यू आर लैकिंग इन एनी स्किल, एनी आपकी जो टेक्निक है, टैक्टिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको आप रेक्टिफाई करते हो, ठीक है। कोचेस हर प्लेयर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं कि आपने एक्चुअल मैच कंडीशन में क्या परफॉर्म किया है, कैसे परफॉर्म किया है। ये आपके फेज थ्री हो गया। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें ट्रेनिंग मेथड में कॉम्पिटिशन पीरियड, ठीक है। कॉम्पिटिशन पीरियड का मतलब होता है कि जहां पे आप टोटली आपने मैचेस खेलने हैं, व्हेन यू आर आपने अपने पूरे साल मेहनत की है, प्रैक्टिस की है, ठीक है, अपने जब आपका फाइनल मैच होता है, व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ठीक है, आपने अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना, सपोज इन इंटरनेशनल कोई भी टूर्नामेंट में, ओलंपिक्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गई हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई है, तो वहां पे क्या होता है बेटा, दैट इज द मेन कॉम्पिटिशन। आपने जो थ्रू आउट द ईयर आपने जो प्रैक्टिस की है, अब आपका वो राइट टाइम होता है वेयर यू हैव टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस, वेयर यू हैव टू गिव योर हाइएस्ट परफॉर्मेंस, वो ही परफॉर्मेंस है आपका आगे कैरियर बनता है, ठीक है। डिफरेंट अवार्ड्स जो मिलते हैं, जो आपको प्राइज मिलते हैं, ठीक है, वो आपका दैट इज टोटली डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन फेस। तो वो फेज सबसे किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की लाइफ में वो सबसे मेन फेज उसका होता है कि कंपटीशन फेज। इफ यू क्लिक देयर, इफ यू गिव देयर 100%, जैसे आप लोगों का होता है एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट में आप कर रहे हो, MBBS, IIT में जाना है, कहीं भी आपने, कोई आर्मी में है, जिसका भी इंटरेस्ट है, तो दैट इज द मेन टेस्ट जो आपका फाइनल स्टेजेस होती है, अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको वहां पे एडमिशन मिल जाती है। सेम इन द गेम एंड फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, इफ यू क्लिक, इफ यू गिव योर टॉप लेवल परफॉर्मेंस, तो उससे आपका नेम, फेम एज ए प्रोफेशनल, ठीक है, वो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं वो एक उनका ये प्रोफेशन होता है। बाकी जैसे आप इंजीनियर है, डॉक्टर है, आर्मी ऑफिसर बनना है, किसी ने बिजनेस करना है, तो स्पोर्ट्स में भी हमारा मेन क्या होता है, एम कि वी हैव टू रिप्रेजेंट आवर कंट्री, वी हैव टू पार्टिसिपेट इन वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक गेम, एशियन गेम्स, और वहां से अगर आप मेडल लेते लेके आते हो, देन देर इज अ डिफरेंट अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड जो आपको मिलते हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, वो हाइएस्ट अवार्ड्स आपके होते हैं, वो अवार्ड्स आपको विथ कैश मिलते हैं, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपकी मेन होता है आपकी ट्रेनिंग पे। आपने कंपटीशन फेस क्लियर कर लिया, उसके बाद क्या होता है, ये थ्री फेसेस में आपको मोर, आई एम गिविंग मोर स्ट्रेस ऑन थ्री फेसेस एज ए फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन ट्रेनिंग करता है तो वो कैसे करता है, व्हाट आर द डिफरेंट फेसेस, पीरियड्स कौन कौन से उसके होते हैं। उसके बाद जब आपका कॉम्पिटिशन खत्म हो जाता है, देन देर इज ए वन फेज दैट इज ट्रांजिशनल फेज, और उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन एक्टिविटीज। उसमें जो एथलीट होते हैं, जो प्लेयर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपका कंपटीशन खत्म हो गया, जो आपने मैचेस खेलने थे वो सारे फिनिश हो गए, देन आप क्या करते हैं, यू स्विच ऑफ अनदर गेम। सपोज यू आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इन क्रिकेट, उसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन फेज। अब आपने क्या करना है, आपने पूरे साल ट्रेनिंग की है, मैच खेल लिए, यू आर टोटली एग्जॉस्टेड। ठीक है, आदमी क्या होता है, इतना लॉन्ग पीरियड तक आप खेलते हो तो वो थक जाते हैं, फटीग हो जाती है, सम टायर्डनेस इज देयर। तो वी हैव टू कीप देयर एक्चुअल जो कंडीशन है उसको हमने रिलैक्स भी करना है और उसको रिक्रिएशन एक्टिविटीज भी देनी है। देन वी स्विच ऑन टू द डिफरेंट गेम्स। अगर हॉकी वाला है उसको हम स्विमिंग करा रहे हैं, फुटबॉल वाला कोई है उसको हम बास्केटबॉल खिला देते हैं, उसको हम स्विच ऑफ कर देते हैं दूसरी गेम में, सो दैट उसका इंटरेस्ट उस गेम में भी बना रहे और साथ ही साथ उसका फिजिकल एक्टिविटी भी चलता रहे। रिक्रिएशन और ट्रांजिशनल फेज का मतलब ये नहीं है कि हमने उसको बिल्कुल ही ऑफ मोड पे कर देना है, हमने उस प्लेयर्स को, उस बच्चे को लिटिल बिट उसकी जो अपनी गेम है, जो वो सारा साल खेल के थक गया है, टायर्ड हो गया है, समटाइम ही फील्स कि मैं थोड़ा रिलैक्स होना है, तो हमने उसको रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, वी चेंज ओवर टू अनदर एक्टिविटीज। उसको सॉर्ट ऑफ कोई रिक्रिएशन एक्टिविटी दे दी है। आपने देखा होगा क्रिकेट की टीम वालों को, ठीक है, वो समटाइम दे आर प्लेइंग फुटबॉल, कोई स्विमिंग कर रहा है, कोई टेबल टेनिस खेल रहा है, वन ऑफ द अनदर वे दे आर इंप्रूविंग देयर कंसंट्रेशन। अगर आप टेबल टेनिस खेल रहे हो तो वहां पे आपकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होती है, फुटबॉल खेल रहे हो तो कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। ठीक है, इन द सेम टाइम वो रिक्रिएशन भी एक्टिविटी कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और फिजिकली फिटनेस भी उनकी साथ साथ चलती है। तो ये जो डिफरेंट फेसेस होते हैं स्पोर्ट्स के, और इनको ट्रेनिंग को करने के लिए सबसे मेन चीज आपको ये पता होनी चाहिए, व्हेनेवर यू आर डूइंग एनी फिजिकल एक्टिविटी वार्मिंग अप इज मेन। विदाउट वार्मिंग अप, आपने देखा होगा जितने भी जो प्लेयर्स हैं, जब भी वो ग्राउंड में जाते हैं, जब भी कोई एक्चुअल कोई मैच खेलते हैं, विदाउट वार्मिंग अप कोई भी एंटर नहीं करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वार्म देयर बॉडी प्रॉपरली। वार्मिंग अप क्यों कंपलसरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट विल रिड्यूस योर चांसेस ऑफ इंजरीज। सबसे मेन जो लाइफ में स्पोर्ट्स पर्सन के एक सबसे जो कह लो कि लाइफ में इंजरीज एक ऐसी चीज है, वर्ल्ड में आपके कोई भी, मुझको ऐसा एग्जांपल आप बता दो कि कोई भी वर्ल्ड में ऐसा स्पोर्ट्स पर्सन हुआ हो जो विदाउट इंजरी मैच खेला हो थ्रू आउट द कैरियर, आपको देयर इज नो नॉट ए सिंगल एग्जांपल। वर्ल्ड में अगर कोई भी प्लेयर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, वो कभी ना कभी किसी ना किसी सिचुएशन में इंजर्ड होता ही है। इंजरी इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन कि जो लाइफ में ये होनी ही होती है, बट इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है, अपने एथलीट को हमने इंजरी से कैसे बचाना है, ये उसका और उसके कोचिज का मेन रोल होता है। अगर आपको अपनी बॉडी की नॉलेज होगी, जैसे आपको डिफरेंट बॉडी के एक्सरसाइज के नेम लिखाए हैं, ठीक है, उनके जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताई हैं, अगर आपको उसकी नॉलेज होगी, आपको पता है कि अगर मैंने शॉर्ट पुट करना है तो मुझको शोल्डर में, फोर आर्म में, ठीक है, रिस्ट में, लोअर बैक पोजीशन में मोर स्ट्रेंथ की जरूरत है आपको, तो आप रिगार्डिंग दैट एक्सरसाइज आप रेगुलर करोगे, उस बॉडी को, उस बॉडी पार्ट को आप स्ट्रेच करोगे। अगर आपने, आप लॉन्ग डिस्टेंस रेसर्स हो तो आपका इंडोरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें हर बच्चे को पता होती है जो स्पोर्ट्स कर रहा है।
और वार्मिंग अप इसीलिए कंपलसरी होता है, जरूरी होता है। अगर आप वार्मिंग अप करते हो तो आपकी बॉडी उस काम को, जो काम आपने करना है, उसके लिए रेडी अपने आप को करती है। वार्मिंग अप भी टू टाइप्स का होता है, एक जनरल एंड स्पेसिफिक। ये आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए कि जनरल मीन्स कि वेन एवर यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज यू जस्ट वार्म अप योर बॉडी बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, दैट इज जनरल। आपने पूरे बॉडी पार्ट को इन्वॉल्व किया है, स्ट्रेचिंग, जॉगिंग एक्सरसाइजेस, लाइट एक्सरसाइजेस, ठीक है, एंड फुली अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अगर आपकी गेम शॉर्ट पुट की है तो यू हैव टू स्ट्रेच योर स्पेसिफिक एक्सरसाइज, शोल्डर को आप स्ट्रेच करेंगे, बैक को करेंगे, ठीक है। अगर आपने देखा होगा बॉलर हैं, वो बॉलिंग करने से पहले साइड पे बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बैट्समैन है, वो टैपिंग करते हैं। हर गेम में जो डिफरेंट स्पेसिफिक मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, वो हम स्पेसिफिक वार्मिंग अप करते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड, आफ्टर डूइंग ऑल ट्रेनिंग, ऑल एक्सरसाइजेस, एक्टिविटी, यू मस्ट गो फॉर कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन। मीन्स कि सारी आपने एक्सरसाइज, स्ट्रेनियस एक्सरसाइज की है, उसके बाद आपने अपने मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कूलिंग डाउन, स्लो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत जरूरी होती है। अगर आप वो नहीं करोगे, यू हैव सीन सम टाइम यू आर डूइंग एनी एक्टिविटीज, नेक्स्ट डे यू फील सम क्रैम इन योर बॉडी, जिसको हम बोलते हैं जी खलियां पड़ गई हैं, हमको पेन शुरू हो गई है, अगर आप रनिंग करते हो बहुत टाइम के बाद। बट इफ साइड बाय साइड यू डू प्रॉपर कूलिंग डाउन एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, तो नेक्स्ट डे यू फील फ्रेश, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये कुछ एक बेसिक्स हैं स्पोर्ट्स के, आपके लर्निंग स्किल्स हैं, ठीक है। आपने वार्मिंग अप करना है, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए। एज ए प्रोफेशनल, इफ यू आर टेकिंग दिस सब्जेक्ट एज ए प्रोफेशनल, यू हैव नो दैट देयर इज अ डिफरेंट स्कोप्स ऑफ इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स नाउअडेज। इन ईच एंड एवरी गेम देयर इज अ प्रोफेशनल लीग। आप कोई गेम देख लो, सबके आपके प्रोफेशनल लीग हो रही हैं इस टाइम इंडिया में। हॉकी है, फुटबॉल है, टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, जितनी भी आपकी मेजर आउटडोर गेम्स हैं, हर गेम्स की यहाँ पे लीग्स हो रही हैं। और हर प्लेयर्स को, हर बच्चे को दे आर गिविंग वेरी हैंडसम मनी, ठीक है। उनके कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छे लेवल पे हो रहे हैं, जिससे जो आपका स्पोर्ट्स में है बच्चा बहुत जा रहा है। एंड देयर इज अ वेरी वेरी, आप कह लो कि अपलिपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम नाउअडेज इन, आप पूरा कंट्री में आप देखो सारे बच्चे कहाँ का इन्वॉल्व गेम में हो रहे हैं। और आपको कोई भी वर्ल्ड में ऐसी, इंडिया में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे आपको स्पोर्ट्स कोटा नहीं है। इफ यू आर अ गुड प्लेयर, इफ यू आर अ मेडलिस्ट, इफ यू हैव अ मेडल इन स्टेट एंड नेशनल लेवल, यू कैन गो इजिली, यू कैन एंटर, यू कैन, यू हैव अ दैट गोल्ड मेडल टू एंटर इन एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंडिया। हर यूनिवर्सिटी कॉलेज में स्पोर्ट्स कोटा होता है बेटा, कोई भी आपको ऐसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे स्पोर्ट्स कोटा ना हो। दिस इज ऑन अनदर एज। दिस इज ऑल रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर। नाउ टाइम इज ओवर।